क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। भारत और दक्षिणी अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मैच रांची में खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन भारत ने अफ्रीका की पहली इनिंग को 162 पर ऑल आउट कर दिया। अफ्रीका की पहली इनिंग में मैच में मोहम्मद शमी ने 2 विकेट, उमेश यादव ने 3 विकेट और रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट चटकाए। मगर जिस गेंदबाज पर सबकी नजरें टिकी थी उसने भी कमाल करके दिखा दिया। जी हां, इंटरनेशनल टेस्ट डेब्यू में शहबाज नदीम ने 2 विकेट चटकाए। अपना पहला टेस्ट विकेट लेते ही शहबाज नदीम मैदान में ही भावुक हो उठे और फूट फूट कर रोने लगे। जी हाँ, जैसे ही नदीम की बॉल पर तेंबा बावुमा का विकेट गिरा तो नदीम पहले तो उत्साहित दिखे, मगर जैसे जैसे सभी साथियों ने बधाई देने आए तो नदीम की आंखों से आंसू बहने लगे। 29वां ओवर शहबाज नदीम लेकर आए, उस वक्त बावुमा क्रीज पर थे। नदीम की बॉल पर बावुमा ने आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, मगर वो बॉल को सही जज नहीं कर पाए और विकेट के पीछे से साहा ने बिना एक सेकंड गवाए गिल्लियां बिखेर दी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि बावुमा डिसबैलेंस होकर क्रीज पर ही धड़ाम से गिर पड़े। अब अपना पहला विकेट लेने के बाद 30 साल के नदीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नदीम को इस तरह भावुक देख पहले तो रहाणे उनके पास आए और नदीम को गले से लगाया। इसके बाद कप्तान विराट कोहली ने भी नदीम को गले से लगाकर उनके माथे को चूम लिया। अपने साथियों का सपोर्ट देखकर नदीम का कॉन्फिडेंस भी देखने लायक था। इसके बाद तो नदीम ने अफ्रीका का आखिरी विकेट एनरिच नोटिस के रूप में लेकर पारी को ही खत्म कर दिया। तो अब आपको कैसा लगा नदीम का इंटरनेशनल डेब्यू, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।